गाइज यहाँ पर एक चीज बहुत यूनिक आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी से पहले देख लो फिर उस पर बात करते हैं। अभी मैं कहाँ पर हूँ गाइज? अभी मैं हूँ विकिपीडिया पे। विकिपीडिया एक ऐसी साइट है जिसका 1.3 बिलियन का मंथली सर्चेस है, कैन यू इमेजिन? और अगर मैं विकिपीडिया के अथॉरिटी की बात करूँ तो इसकी अथॉरिटी जो है वो 98 है, विच इज नॉन एज गॉड अथॉरिटी। 100 इज अ मैक्सिमम, 98 है, तो यानी बहुत रेलिवेंट साइट है, बहुत ज्यादा नोन साइट है इस दुनिया की। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो देखो। विकिपीडिया में मैं यहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ विच इज ऑन सर्च इंजन। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्च इंजन का आर्टिकल किसने लिखा है, कुछ आइडिया आपको? मैं बताता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा किसने लिखा है। एडिट पे क्लिक किया, यहां पर मुझे एक लाइन देना है विच इज नोन एज दिस वन। मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को मैंने क्या किया। ये द इंफॉर्मेशन से पहले मैंने अपनी लाइन दी है विच इज दिस वन, द इंफॉर्मेशन, ये लाइन मेरी है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ये लाइन यहाँ पर रेलिवेंसी प्रूफ कर रही है, क्या यहाँ पर यूजर को एक अच्छा हेल्पफुल कंटेंट दे रही है। अगर दे रही है ना तो विकिपीडिया में ये अप्रूव हो जाएगा और मेरा दिया हुआ कंटेंट इसमें आ जाएगा, यानी मैं भी विकिपीडिया का एक राइटर बन जाऊंगा। इसका फायदा क्या होगा? अभी फायदे में मत जाओ, अभी देखो मैं कर क्या रहा हूं। बहुत जबरदस्त चीज हो रही है यहाँ पर, मैं बार बार कह रहा हूँ बने रहना, छोड़ना मत और स्किप तो बिल्कुल मत करना। अब देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, व्हेन अ यूजर एंटर्स अ क्वेरी इनटू अ सर्च इंजन द इंजन स्कैन its index of web pages to find those that are relevant to the user's query. The results are then ranked by relevancy and displayed to the user. The information may be a mix links of web pages वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हुआ क्या है? मैंने बीच में एक ऐसी लाइन लगाई है जो कि बिल्कुल ट्रांजिट है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो बिल्कुल बीच में ये लाइन फिट हो गई है, जिसकी कमी खल रही थी मुझे कि ये लाइन होना चाहिए ताकि जो इसको पढ़ने आ रहा है, जो इस आर्टिकल को पढ़ने आ रहा है, उसको ये लाइन बिल्कुल ट्रांजिशन में लगे कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए था। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, एक लाइन से दूसरे लाइन में जब जा रहा है तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में अलग ही लाइन मैंने घुसेड़ दिया जिसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो करने जा रहा हूँ दैट इज थोड़े बहुत मैं यहाँ पर कुछ इंटरनल लिंकिंग बनाने वाला हूँ जो कि विकिपीडिया के ही पेजेस होंगे। मैं अभी अपने लिंक नहीं दूंगा, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए वेट करना है तो करो, बाकी आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, बेनिफिट भी बताऊंगा कि अगर आप विकिपीडिया को एडिट करते हो और एडिट करने के बाद इसका फायदा कैसे उठा सकते हो वो बताऊंगा, तो बने रहो सेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट वेब पेजेस पर, तो ऑलरेडी लिंक है तो मैं वेब पेजेस पे नहीं देने वाला। मैं काम करता हूँ कोई एक ऐसा एंकर टेक्स्ट ढूंढता हूँ जो कि बहुत रेलिवेंट होगा यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट क्वेरी सर्च इंजन, सर्च इंजन तो है ही ये पूरा का पूरा हमारा कंटेंट, तो सर्च इंजन पे देना सही नहीं होगा। स्कैन इंडेक्स, मैं इंडेक्स पे दे सकता हूं, सो इंडेक्स पे एक बार एंकर टेक्स्ट बनाते हैं, लिंक देते हैं और मैं विकिपीडिया का ही लिंक देना चाहूंगा इंडेक्स का, तो मैं यहां पर सर्च इंजन इंडेक्स पे क्लिक करता हूं एंड देखते हैं ये रहा दिस वन, तो मैंने इसको लिंक दे दिया। सो नाउ अब ये सर्च इंजन इंडेक्सिंग पे लिंक आ गया है, सो नाउ आई थिंक ये एक लिंक मेरा यहां पर बन चुका है, एज यू कैन सी दैट। तो एक मेरे कंटेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने इंडेक्स पे एक एंकर टेक्स्ट भी दे दिया, नाउ माय कंटेंट इज देयर। ओके, कंटेंट मेरा यहां पर है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, पब्लिश चेंज पे क्लिक करना है और पब्लिश चेंज करने के बाद मेरे रेफरेंस के लिए मैं यहां पर एक समरी दूंगा, ताकि मैं बहुत सारे एडिट करता हूं ना तो वो एडिट क्यों किया था उसका भी तो रीजन देना है मुझे, तो मैंने अपने रेफरेंस के लिए दुनिया को नहीं देखने वाला, तो मैं यहां पर कर रहा हूं आई एडिट अ लाइन हाउ इट विल बी यूजर सेंट्रिक, मतलब ये यूजर को कैसे हेल्प करता है सर्च इंजन उसके बारे में मैंने लिखा है। इट्स अ माइनर एडिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है और मैंने इसको पब्लिश चेंज पे क्लिक कर दिया। अब मेरी किस्मत अच्छी रही और किस्मत से भी ज्यादा अगर मेरा रेलिवेंसी यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इस लाइन को यहाँ पर होना चाहिए था, मिसिंग था, आपने डाल दिया, तो ये लाइन मेरी परमानेंट यहाँ पर हो जाएगी। अदरवाइज विकिपीडिया के कॉन्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो कि इसमें आते हैं और चेक करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर ठीक किया है क्या वो ठीक होने लायक था, अगर होगा तो रहेगा वरना चला जाएगा, तो अब मैं उसी का वेट करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट किसको पब्लिश चेंज पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। सो गाइज नाउ योर एडिट वॉज पब्लिश्ड, साफ लिखा आ रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये तो मेरे खुद के ब्राउजर में है तो हो सकता है कुकी एंड कैशे हो, बट मुझे कंफर्म करने के लिए कि क्या ये पब्लिश मेरा जो लाइन है खुद का जो मैंने लिखा है क्या वो यहाँ पर सच में आ गया है, तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर URL को कॉपी करता हूँ और अपने किस पे चलता हूँ, इनकॉग्निटो पे। इनकॉग्निटो पे पता लगाते हैं कि क्या सच में लाइन आया है कि नहीं आया, तो उसके लिए मैं इनकॉग्निटो पे गया और गाइज देखो मेरा लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, एज यू कैन सी दैट। ये इनकॉग्निटो मोड है, यहाँ पर बिल्कुल भी सर्च का कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर सेव नहीं होता है और ना ही कोई कुकी सेव होता है और ना ही कोई कैशे, जिस वजह से यहाँ पर वही दिखता है जो कि लाइव सर्वर से निकल के आया है, विकिपीडिया के सर्वर से। सो गाइस इस तरीके से मैंने अपना खुद का कंटेंट विकिपीडिया पे डाल दिया है। ये था जो आज की वीडियो में मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो सुन लो गाइस। ये मैंने क्या किया पता है, ये मैंने विकिपीडिया में अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट किया जिसके अंदर मुझे खुद नॉलेज है। अब जब मुझे खुद नॉलेज है ना तो विकिपीडिया को हम जैसे कंट्रीब्यूटर की जरूरत है, क्योंकि
विकिपीडिया क्या है? गाइस ये एक फ्री इनसाइक्लोपीडिया है जिसके अंदर दुनिया जहान का नॉलेज जो है अवेलेबल है। आप जाओ और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नॉलेज जो है यहाँ से आप उठा सकते हो अपने लिए। हालांकि मुझे इसके बारे में कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि विकिपीडिया क्या है। लेकिन साथ ही साथ ना ये एक .org वेबसाइट है। .org वेबसाइट कौन सी होती है? जो कि ऑर्गेनाइजेशनल या यू कैन से दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल टाइप की जो वेबसाइट होती है वो है। विकिपीडिया में कभी भी एड नहीं चलता, विकिपीडिया में आप किसी तरह का कोई भी कुछ खरीदते नहीं है। तो विकिपीडिया अर्न कहां से करता है? इतना बड़ा सर्वर कैसे मेंटेन करता है? 1.3 बिलियन का जो इसका ट्रैफिक है वो यहां पर कैसे आता है? गाइस ये प्योर तरीके से डोनेशन से आता है। तो हम तो इंडियंस डोनेट करने में काफी ज्यादा कम बिलीव रखते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विकिपीडिया में डोनेशन जरूर करते हैं। अब बात आती है कि मैं यहां पर कंट्रीब्यूटर क्यों बना, मैं यहां पर अपने कंटेंट क्यों देता हूं, क्यों मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट करने आता हूं, इसका मुझे फायदा क्या होता है? देखो फायदा सबसे पहले ये होता है कि दिल को तसल्ली सच में मिलती है जब आपके नॉलेज को दुनिया में दिया जाता है। नो मैटर आपका नाम हो ना हो, लेकिन दुनिया उसका फायदा उठा रही है तो फर्स्ट सेटिस्फेक्शन तो वहां से आता है। लेकिन चलो हम इस पार्ट को छोड़ते हैं। इस पार्ट को आप में से बहुत लोग कहेंगे यार साइड में रखो यार, ये सब चीजें प्रॉफिट बताओ कहां से आएगा। तो ठीक है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले विकिपीडिया को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसकी जो कंट्रीब्यूटर कम्युनिटी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि भैया यहां पर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप यहां पर किसी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप अपनी वेबसाइट को बैक लिंक तक नहीं दे सकते। तो फिर क्यों आते हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बैकलिंक ऐसा नहीं है नहीं दे सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको प्रूफ करने की बात करूं तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। सो आप यहाँ पर देखो, नीचे देखो, नीचे बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पे यहाँ पर देखना, यहाँ पर। सो गाइस ये बैकलिंक्स ही हैं। देखो searchenginehistory.com ये एक साइट है जो कि विकिपीडिया नहीं है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस साइट पे ले जाएगा और उस साइट के लिए विकिपीडिया से क्या है, बैकलिंक है। तो यानी विकिपीडिया से बैकलिंक मिलता है, आप बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हो। अब वो प्रॉफिट वाली बात समझा रहा हूं जो कि आपको यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। देखो यहां पर ये जितने भी आपको दिखेंगे ना ये सारे मैक्सिमम आपको बैकलिंक्स दिखेंगे। अब बैकलिंक्स उस साइट में जिसका 98 का अथॉरिटी है। कैसे मिला? देखो अगर आपको भी इसका बैकलिंक चाहिए बिल्कुल उठाओ ना फायदा, विकिपीडिया को मना नहीं कर रहा है, विकिपीडिया कह रहा है कंट्रीब्यूट करो और अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप उठा लो, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप विकिपीडिया पे जाओ, लेट्स टॉक अबाउट विकिपीडिया। और विकिपीडिया पे जाने के बाद आपको यहां पर अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए लेट्स गो टू इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं और यहां पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, यूजर नेम दो, पासवर्ड दो, पासवर्ड कंफर्म करो, ईमेल एड्रेस दो एंड देन क्रिएट अकाउंट। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद ईमेल आएगा आपके पास वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई कर दो, आप विकिपीडिया के कंट्रीब्यूटर बन गए। अब विकिपीडिया का कंट्रीब्यूटर जैसे ही बन गए ना, आपके पास वो सारे राइट्स आ गए, वो पावर आ गए कि आप विकिपीडिया में जाके चीजों को एडिट कर सकते हो, चीजों को आप वहां पर अपने अकॉर्डिंग दे भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि एडिट कर सकते हो, आप नए पेजेस, नए आर्टिकल्स, नए कुछ भी बना सकते हो जो कि वेरीफाइड होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं से साइटेड होना चाहिए, जिसकी साइटेशन स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मनगढ़ंत कुछ भी यहां पर दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसका प्रूफ है, अगर उसकी कोई एक वैलिडिटी है, वैलिडेशन है, तो आप डेफिनेटली वहां पर दे सकते हो। यहां से आपकी पावर विकिपीडिया पे एडिट करने की या ऐड करने की आ जाती है। जैसे ही आ जाती है, अब आपको सिंपल पता है क्या करना है, आप एक छोटा सा काम करो, आप कम से कम 10 से 12 दिन अपने यहां पर कंट्रीब्यूशन पे मन झोंक दो। आपके पहले बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो है ना वो अनडन कर दिए जाएंगे। मेरा खुद का हुआ है, मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू, ये रहा। तो आप यहां पर देख सकते हो, एक मटेरियल साइंटिस्ट लेफ्ट अ मैसेज ऑन योर टॉक पेज इन डिसेंबर 2022। आप यहां पर इसको क्लिक करके दिखाता हूं मैं आपको, और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर साफ लिखा है, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट वन ऑफ योर रीसेंट कंट्रीब्यूशन स्पेशली दिस एडिट, मतलब सर्च कंसोल पे मैंने एक एडिट दिया था, हैज बीन अनडन, मतलब उन्होंने अनडन कर दिया, मतलब जो मैंने दिया था उसको फिर से रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इट्स अपीयर टू बी प्रमोशनल। प्रमोशनल मतलब कि मैं उस पे ना अपना कोई प्रमोशन कर रहा था, इनको ऐसा लगा। हालांकि मैंने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया था, ना ही इनफैक्ट मैंने बैकलिंक दिया था, उसके बाद भी इनको प्रमोशनल लगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि बहुत स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको बहुत सोच समझ के, सूझ बूझ के अपने काम को करना है, अदरवाइज आपका काम यहां पर बेकार हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सप्लॉइट नहीं करना, इतनी बड़ी साइट है और इतनी बड़ी साइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी उल्टा पुल्टा स्पैमिंग। तो आप यहां पर देखो, खुद का मेरा इसने अनडन कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल वही चीज करनी है जो कि फैक्ट है, जो कि बहुत लेजिटिमेट है। बस आपको क्या करना है, 10 से 12 दिन तक बहुत प्यार से छोटे छोटे एडिट्स करते रहो। छोटे छोटे जैसे एडिट करोगे ना, तो आपका जो अकाउंट है वो वार्म अप हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ रही है, और अथॉरिटी बढ़ रही है ना, तो आप देखना 1-2 महीने 3 महीने के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद अच्छा खासा अपना टाइम झोंक दो, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, जिसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाया कैसे लोग विकिपीडिया में कॉन्ट्रीब्यूट कर करके फायदा भी उठा रहे हैं। क्योंकि ऑफकोर्स इस दुनिया में 100% चैरिटी
कोई भी नहीं करता एक लॉन्ग रन के लिए, तो विकिपीडिया को ये बताए। तो विकिपीडिया उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूटर्स को जो कि बहुत मन लगा रहे हैं उनको बैकलिंक देने का पूरा मौका देता है लाइक दिस, है ना। तो अब बस आज के बाद आपको क्या करना है, आपको विकिपीडिया में काफी अपना मन लगाना है और उसके बाद आपको एक ऐसा अलादीन का खजाना मिल जाएगा जहां से आप बैकलिंक ले सकते हो। और विकिपीडिया जैसी साइट से अगर बैकलिंक आ गया ना, आपको पता है आपकी साइट का जो ग्रोथ है वो कैसे जाएगा, सोच नहीं सकते। बस यही आज मुझे अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करना था। बीइंग एन एजेंसी हम ये सारी चीजें करते हैं तो मुझे पता है वो सारे सीक्रेट, जैसे एक साइट रैंक होता है, कीवर्ड रैंक होता है, कीवर्ड जितना मर्जी टफ हो वो रैंक हो जाता है इन टाइप के बैकलिंक से। देखो सीक्रेट मैंने रिवील कर दिया आप लोगों से और दिल खोल के रिवील किया है, कुछ भी छोड़ा है कि नहीं ये नहीं बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा। तो आप भी ना दिल खोल के लाइक कमेंट करो और देखो इतने सीरियस कंटेंट देने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग भी तो हो ना दोस्त, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। क्योंकि इतना आसान है एक बटन को क्लिक करके मुझे मोटिवेट रखना, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि इतना मेहनत मेरा बेकार हो रहा है, तो ऐसे ही अगर मैं डीमोटिवेट हो गया तो मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट जो है वो रिवील कर पाऊंगा, इतने सालों के एक्सपीरियंस रिवील कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा दोस्त। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब करते रहो ताकि मेरा कॉन्टेंट थोड़ा मुझे बेनिफिट दे पाए और मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैं अपने सीक्रेट क्यों ही रिवील करूं, क्यों ही मैं ऐसे वेस्ट कर दूं जो कि जब प्यार ही आप लोगों से नहीं मिलता। बट आप में से बहुत लोग हैं जो कि भर भर के प्यार देते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। तो बस मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप विकिपीडिया का फायदा उठाओ इस तरीके से, ये बहुत कामयाब चीज है। आपकी साइट भी रैंक होगी, आप विकिपीडिया के अच्छे कंट्रीब्यूटर भी माने जाओगे और विकिपीडिया से आप ऐसे ही बैकलिंक के अलावा बहुत सारे और भी फायदा उठा सकते हो। बट बैकलिंक का जो फायदा है ये प्राइम है, ये सुप्रीम है, जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए बिल्कुल उठा सकते हो। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू, एंड मिलते हैं ऐसे ही जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी से।